वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहघनरघुनादान्वितं त्वं सजीवं साेत साजन सहित कृष्ण चैतन्यं श्री गो गो कांता राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाकान्वता हे कृष्णगरुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका का राधा कांत नमो सुचन गौरांगी राधे वृंदवनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु पतितानां पावनेभ्यो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीद्वैतकदादर श्रीवासदि गौरभक्त्रन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामने नमस्ते सारस्वतीदेव गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषन्यवाद पाशातरिणी श्राद हरे कृष्ण यस yes, स्वागत सभी का आज हम श्रीमद भागवतम पहला स्तंभ उन्नीसवा अध्याय से हम चर्चा करने वाले हैं कौन सा श्लोका हरे कृष्ण प्रभु दम प्रणाम बीसवे श्लोक से शुरू करने प्रभु बीसवा संवृतस्त महान महीयसा ब्रह्मषि राजर्षि देवर्षि संगे विरोचताल भगवान यतेन्दु ग्रह क्षतारा निकरे परीतः हरे कृष्ण प्रभु जी ट्वेंटी पढ़ना है ट्वेंटी ट्वेंटी पढ़ना है जी अच्छा नवाइदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु ये ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर् भगवत् पाश्वकामाः मुनियों ने कहा हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडु वंशी राष्ट्रियों के प्रमुख यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं तो जी तात्पर्य अल्पज्ञ राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थाई पदों पर हैं, वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं उन्हें इसका ध्यान की मुक्ति प्राप्त करके भगवत पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है श्री भगवान ने श्रीमद भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम को प्राप्त होना सर्वोच्च उपलब्धि है प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा hey प्रभु मैं जीवन की भौतिकवादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ मैं आपके इस भयावने नरसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ यह भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के पाठ के समान है जिसके द्वारा हम कुछ जा रहे हैं हम जीवन की विकराल तरंगों के भयावह भवन में गिर गए हैं अतएव हे भगवान मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें यही इस भौतिकवादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है मुझे इस भौतिकवादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है अपने प्रिय से विचो तथा अवांछित से भेंट इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे स्वयं रोग से अधिक भयावह निकले अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से भड़कर हैं, जीवन की भौतिकवादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे वे कभी उस राज सिंहासन की चमक तमक से मोहित न थे जिस पर वे बैठे वे सदैव श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने हेतु उत्सुक रहते थे महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के पौत्र थे महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया इस वंश में समस्त राजाओं का ऐसा ही संस्कार था क्योंकि क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे इस प्रकार भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादिक जीवन के चमक दमक से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकवादी जीवन के विषयों से आना रहते हैं जैसे okay, then... यहाँ पर वंश के विषय में बताए जा रहे हैं वंश के राजाओं के विषय में बताए जा रहे हैं कि राजन आप भी तो इसी पांडु वम्षच, वम्षच ही हो तो इसलिए आप इतना आसानी से इस राज किसम को आप छोड़ सके क्योंकि तो साधारणतः देखा जाता है कि जो भी एक पोलिटिशियन जब उन्हें कोई भी पोजीशन या पोस्ट मिल जाता है देन वो छोड़ नहीं पाता है वो छोड़ नहीं पाता है वो चिपक कर ही रहता है एंड उस अवस्था में ऐसी स्थिति में अगर किसी को राज सिंहासन मिल चुका है एंड फिर राज को कोई छोड़ पा रहे हैं निश्चित रूप से उनके अंतर्गत वैराग्य किस हद तक प्रकट है समझ सकते हैं बिकॉज आजकल की प्रधानमंत्री इत्यादि कुछ भी नहीं राज राजा के सामने बिकॉज प्रधानमंत्री होते तो है बट उनके पास इतना इतना ज्यादा पावर नहीं होता है जितना कि एक राजा के पास होता है कई सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, कई सारे कंडीशंस कई सारे बाधाएं होती है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बट राजा तो फुल्ली इंडिपेंडेंट है वो कुछ भी कर सकता है उस प्रकार के पूर्ण शक्तिमान की स्थिति है एक राजा का सिंहासन राजा की स्थिति एंड वैसा स्थिति वैसा पद को प्राप्त करने के बाद अगर कोई आसानी से छोड़ पाता है तो वो इतना आसानी से संभव नहीं है यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि तो आजकल हम देखते हैं किस प्रकार से अपने स्थिति को अपने पद को मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी प्रकार के गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं केवल अपने पद को मेंटेन करने के लिए एंड फिर भी कई बार वो अपना पद मेंटेन नहीं कर पाते हैं उतना आसक्त हो जाते हैं उस पद से और उस पद की वजह से मिलने वाले सम्मान से और उस पद से मिलने वाली सुविधाओं से धन से संपत्ति से ईश्वर से वो पद से ये सारे चीजें मिलते हैं तभी तो पद से आ सकते हैं ये सारा बातिक प्रकार की सुविधाएं प्रकार के सम्मान मान इत्यादि इत्यादि मिलता है तो इसलिए व्यक्ति उन पदों से आसक्त होता है एंड एंड व्यक्ति तब तक उस पद को छोड़ना नहीं चाहता जब तक वो व्यक्ति मर न जाए वो इधर खुद से मर जाए या नहीं तो कोई ना कोई गोली मारकर उनको मारे तब तक वो पद पद को तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है तो उतना आसक्त हो जाता है व्यक्ति अपना प्राण प्राण को भी परवाह नहीं कर, करता है उस पद को बचाने के लिए तो सब तक व्यक्ति आसक्त हो जाता है इन पदों के प्रति एंड वो स्थिति में उस स्थिति में अगर उससे भी ऊंचा पद को प्राप्त करने के बावजूद भी परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति उस पद को छोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है ये है ना बिकॉज यहाँ पर जैसे शिवपुरपा जी बात कह रही है लोग पद क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि तो उनको ये नहीं पता है जीवन की सर्वोत्तम गति क्या है कौन सी पद को प्राप्त करना जीवन की सर्वोत्तम गति है बिकॉज उनको अभी लग रही कि ये मंत्री के पद प्राप्त करने एम एल के पद प्राप्त करने इस प्रकार की पोजिशन प्राप्त करने इस प्रकार की धनी बनना ही वो अपना जीवन का लक्ष्य मानकर चलते हैं तो इसलिए वो पद प्राप्त, प्राप्त करने के बाद वो वही चपक कर रहना चाहते हैं बट उन लोगों को ये नहीं पता है कि जीवन की सर्वोत्तम गति तो धाम को प्राप्त करना भगवान के सेवक के जो पद है यही सबसे ऊंचा पद है यही सबसे ऊंचा पद है और सबसे ऊंचा गति भगवान के धाम है तो उस प्रकार से भगवान के धाम और भगवान के सेवक की पद के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए वो अपने भौतिक पद में ही रहना चाहेंगे हम्म <coughs> बट वेराज परीक्षित महाराज को क्लियरली पता है कि असलियत में ऊंचा पद कौन सी है और उस ऊंचा पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसलिए जैसा उनको मौका मिला अपने भौतिक पद को त्यागने के लिए तुरंत उन्होंने अपना भौतिक पद त्यागा एंड फिर आध्यात्मिक पदोन्नति या भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में अपने पद को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े थे क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ना कि भक्ति की परिभाषा देते हुए भक्त सिंधु में यह बात कहा जाता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्व निर्मलम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम सारा उपाधियों को छोड़ना ही पड़ेगा अगर किसी को सही में भक्ति करना है तो सारा उपाधियों को छोड़ना ही पड़ेगा अगर किसी को सही ढंग से भक्ति करना है दे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम उपाधियों को छोड़ने के बाद ही आपकी सही में भक्ति शुरू होगी एंड अनेक प्रकार उपाधियों को हमने स्वीकार कर रखा है कोई जैसा इस प्रकार की पॉलिटिकल पद हो या नहीं तो ये भी पद ही है माता पिता ये भी पद है और इसी प्रकार से हम कोई कंपनी का मैनेजर मानना अपना आपको या कोई और अन्य उपाधि से अन्य कोई भी उपाधि जो हमारा शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो सारे उपाधिया वो सारे भौतिक उपाधियां ही है जो कि शरीर के साथ जुड़ा हुआ है शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही है। उपाधि है ये माता पिता पति पत्नी बच्चे दादा दादी नानी इत्यादि ये सारे उपाधिया ही है एंड प्रकार से मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ या इस कंपनी का मैनेजर हूँ या नहीं तो मैं इस देश के वासी हूँ तो इस प्रकार की ये सारा अलग अलग प्रकार के उपाधि बिकॉज इन सारा उपाधियों का कनेक्शन हमारा शरीर के साथ है जैसा शरीर की पोजीशन बदल जाता है तुरंत ये सारे उपाधियों का श्रृंखला जो है बदल जाता है सारा उपाधि बदल जा बदल जाता है जैसा अभी तो हम भारत देश में जन्मे हैं तो इसलिए हम अपने आप भारत ही कहते हैं अगर कल को मानो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया था फिर ऑस्ट्रेलियन हो जाऊंगा तुरंत ये भौतिक उपाधि बदल जाता है ये टेम्पररी उपाधि है जो कि शरीर के साथ संबंधित है इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं में कि सारे तब जाकर व्यक्ति सही में भक्ति कर, कर पाएगा इसलिए बताए सर्व उपाधि निर्मलम इस प्रकार से व्यक्ति जब निर्मल होगा इन सारे उपाधियों को त्यागने के बाद में ऋषि <clears throat> के न ऋषिकेश सेवन भक्ति एंड वो स्थिति में सारे उपाधियों को त्यागा हुआ स्थिति में अपने इंद्रियों को जब भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं तब उस सेवा को भक्ति कहा जाता है तब इस सेवा को भक्ति कहा जाता है क्योंकि जब तक हम उपाधियों को पकड़कर बैठेंगे तब तक हमारी अंदर निस्वार्थ भावना नहीं आ पाएगी क्योंकि जब तक हम अपने आप को पिता मानेंगे तब तक आपके ऊपर आपको हमेशा एक अंदर से ये दबाव होता ही है कि मुझे अपने पिता के कर्तव्य को निभाना है और निभाने के लिए मुझे ये, ये चीजें करना होगा तन फिर तो जैसा आपको आपके ऊपर एक भौतिक उपाधि है बहुत उसकी वजह से भौतिक रिस्पांसिबिलिटी आ जाएन भौतिक रिस्पांसिबिलिटी की वजह से देन फिर आप कभी निस्वाद नहीं बन पाएंगे निस्वाद नहीं बन पाएंगे निस्वाद हम तभी बन पाएंगे जब उपाधियों को त्यागा जाता है छोड़ा जाता है या अपने अपने अपनी अनुसार उपाधियों के परे उठाया जाता है इसलिए यहां पर यह बात परीक्षित महाराज बिल्कुल समझते हैं इसलिए जैसा उनको राजा की उपाधि को छोड़ने की मौका मिली या एक संदर्भ मिला तुरंत वो अपना उपाधि को छोड़कर दौड़ पड़े थे सुखदेव गोस्वामी की ओर ये होता है अगर कोई व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहे हैं छोड़ने का देन फिर वो इस प्रकार के मौका मिलने पे उपयोग कर पाता है अगर हम यही सेटल होने का अगर तैयारी कर रहे हैं देन ऐसा मौका मिलने पर रोएंगे ऐसा मौका मिलने पर रोएंगे बिकॉज तो हम सेटल होना चाह रहे यहाँ पर दौड़ाए जा रहे तो फिर फिर हमारे एजेंडा में भगवान के एजेंडा में दोनों में अंतर आ जाएगी देन फिर झगड़ा होगी हमारी और भगवान की तो इसलिए उत्तम यही होता है कि जब हमारे एजेंडा को भगवान के एजेंडा के साथ मैच करे भगवान के एजेंडा क्या है हमें भगोद्दम वापस ले जाना जा रहे तो अगर हम भी तैयारी करें ठीक है भगवान टिकट बुक कर देना हम चलेंगे साथ में आपकी दिन देन कोई दिक्कत नहीं अगर आप कहेंगे भगवान चाहते हैं कि आपको ले जाना आप कहेंगे नहीं भगवान मुझे यहाँ थोड़ा काम है रुकना है देन फिर भगवान के आ रहे मैं तुम्हारे लिए तो टिकट रिजर्व करके रखा हूँ तुम आते नहीं है पिछली बार या, पिछली बार भी तो आपने यही कहा था आने तो फिर ये डिफरेंस हो जाएगी तो इसलिए बेहतर है अपने एजेंडा को भगवान के एजेंडा के साथ मिलाएं और देन फिर कोई इस पर धन नहीं होगा यही बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में मिलता क्या है कि जिसके लिए लोग चाहते कि यही रहने का उनको इस दुनिया ने दिया क्या उनको कि लोग यही रहना क्यों चाह रहे हैं ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात बन जाता है हमारे लिए तो कि कुछ कारण तो बताओ कि आप रहना क्यों चाह रहे हैं करके जब भी कुछ मतलब जब भी लोग आते हैं समस्या ही लेकर आते हैं और समस्या ही बताते हैं प्रभु जी ये दुखे ये वो है ये वो है ठीक कोई बात ना अगर इतना समस्या है तो चलो फिर भागता हम चलते फिर उसके लिए तैयार नहीं होंगे नहीं प्रभु जी थोड़ा सा रुक कर देख लेते क्या आशा बना हुआ है इस दुनिया पे इतना मार पड़ने के बाद भी व्यक्ति का आशा टूट नहीं रहे हैं उनकी श्रद्धा इस बहुत दुनिया पे जो श्रद्धा है वो टूट नहीं रहे इतना कुछ होने के बावजूद भी इतना कष्ट मिलने के बावजूद भी और इतना दुख मिलने के बावजूद भी इतना मार पड़ने के बावजूद भी और इतना रोने के बावजूद भी इतना थक जाने के बावजूद भी लोगों की आशा और आसक्ति इस दुनिया के साथ खत्म नहीं हो रहे छोड़ने का नाम नहीं ले पा रहे तो यही बहुत बड़ा विडंबना है कि पीपल नॉट तभी एक बार जो युधिष्ठिर महाराज से यक्ष अनेक प्रकार के प्रश्न आप लोग शायद ये स्टोरी सुना होगी एक यक्ष प्रश्न करके कहते हैं ना एक यक्ष जो है युधिष्ठिर महाराज से अनेक प्रश्न पूछ रहे थे कि उस यक्ष ने उनकी बाकी चारों भाइयों को उन्होंने मार दिए थे बाकी चारों लोग मर गए थे मूर्छित हो गए मरी गए थे उस प्रकार की स्थिति में थे पांडव बाकी चारों एंड यक्ष ने कहा कि मैं आपके चारों भाइयों को जीवित कर दूंगा अगर मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर तुम दे देंगे तो देन फिर ठीक है कोई बात नहीं आप प्रश्न पूछना मैं समाधान देता हूँ देन एक एक प्रश्न पूछते गए हैं देन फिर बीच में अंत में एक प्रश्न पूछा यक्ष ने हम्म जो दुष्मन राज से कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है इस दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है वॉट इज द अटमोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू देन उसके लिए युद्धिष महाराज कहते हैं गच्छन्ति यमालयम गच्छन्ति यमालयम मतलब यमराज जी के पास एक आदमी देखता है कि उनके आंखों के सामने जो भी लोग है सभी का सभी एक न एक दिन यमराज जी के पास जा ही रहे हैं बट फिर भी वो व्यक्ति अपने विषय में सोचता है कि वो अपने विषय में ऐसा सोचकर जीवन जीता है कि इफ उनकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है ऐसा जीवन ऐसा प्लानिंग बनाता है कि इफ उनको कोई मृत्यु होने वाला नहीं है उस प्रकार की प्लानिंग बनाकर उस प्रकार के सोच समझ के साथ व्यक्ति जीता है तो इस प्रकार की सोच विचार को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि व्यक्ति इस प्रकार से सोच कैसे पा रहे हैं तो उनकी आंकों के सामने सच्चाई तो भगवान दिखा तो रहे भगवान छुपा तो रहे हैं भगवान छुपा तो नहीं रहे ना बिल्कुल दिख रहे हैं आंखों के सामने सभी के सभी उनके अंकों के सामने सभी गुजर रहे हैं सभी मर रहे हैं बट फिर भी फील्स दैट ही इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर उनको ऐसा लगता है कि वो शाश्वत काल के लिए ही रहने वाले हैं यही बहुत बड़ा माया है बहुत बड़ा वो इल्यूजन की भ्रम है, है तो इसलिए उस प्रकार के भ्रम में तो परीक्षित महाराज नहीं थे तो इसलिए वो इस प्रकार से जैसा उनको पता चला तो तुरंत निकल पा रहे हैं तुरंत निकल पा रहे हैं बात तो यही है ना कि निकलना तो पड़ेगा ही है ना इधर खुद से निकलो या नहीं तो निकाला जाएगी खुद से निकल जाओ या नहीं तो निकाला जाता है निकलना तो सभी को बढ़ ही रहे हैं जिन जिन जिन, जिन चीजों को भी हम पकड़कर रहने की प्रयास भी करते हैं इधर आप खुद से उन च, उन चीजों को छोड़कर आप निकल जाओ या नहीं तो आपको उन चीजों से अलग कर दिया जाता है किसी न किसी प्रकार से Because, कोई कुछ तो परमानेंट है भी नहीं जब इस प्रकार से अगर कोई पहले से निकलता है देन उनको त्याग करने के माला मिल जाता है अरे इसने तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया करके उनको सन्यासी के रूप में या बहुत बड़ा त्यागी के रूप में ये दुनिया जानता है एंड वही जब उनको निकाला जाता है मृत्यु के माध्यम से जबरदस्ती एंड लोग कहते हैं कि देखो कितना आसक्त थे ये मूर्ख अभी उनको समय आया फिर मृत्यु ने सब कुछ उनसे छीन लिया लोग गाली देंगे तो अल्टीमेटली सेपरेट तो होना ही पड़ रहा है जो भी हमारा धन संपत्ति रिश्तेदार इत्यादि इत्यादि इन सारा चीजों से हमें अलग होना ही पड़ रहे हैं एक व्यक्ति समझदारी के साथ पहले से निकल जा रहे है और ये व्यक्ति को मृत्यु आकर उनको अलग कर रही है तो इसलिए बेहतर यही होता है कि सर्वोपाधि में निर्मुक्तम तत्परत्व निर्णय पहले से ही ठीक है हम रिलेशनशिप्स के अंतर्गत जो हमारी आसक्ति को काट काट दे आसक्ति को काटे एंड आसक्ति को काट कर हम्म उपाधियों से बचते हुए हम भगवत भक्ति में लगे तो उस प्रकार से करना होगा And यहाँ पर प्रहलाद महाराज की बहुत बड़ा रियलाइजेशन आप सुन सकते हैं ना जो लास्ट बट वन लाइन में जो अभी अभी प्रोपाजी ने लिखा बहुत जबरदस्त रियलाइजेशन प्रहलाद महाराज दे रहे हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं जब समस्याओं को समा समाधान करने के लिए जब कोई सॉल्यूशन में अपनाता हूं बाद में पता चलता है वो सॉल्यूशन ही बड़ी समस्या बन गई जो सॉल्यूशन मैंने अपनाया वो सॉल्यूशन ही अपने आप में बहुत बड़ा समस्या बन जा रहे तो उस प्रकार से कई बार हम इसलिए बताया जाता ना मेटीरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सोल्यूशन होनी चाहिए अगर मेटरियल प्रॉब्लम के लिए मेटीरियल सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे ना वो सोल्यूशन ही प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर देती है बड़ा कर देती है समस्या को और बड़ा कर देगी उस सोल्यूशन को स्वयं ही इसलिए मेटीरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेटीरियल सोल्यूशन की जगह स्पिरिचुअल सोल्यूशन को अपनानी चाहिए इसलिए ये टॉपिक ये फेमस ओ टॉपिक है प्रारंभिक लोगों को दिया जाता है एंड ये टॉपिक इसी श्लोका से निकला है इसी श्लोका से निकला है क्योंकि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अपनाने पे समस्या बढ़ जाता है इसलिए मेटेरियल सोल्यूशन की जगह हमें स्पिरिचुअल सोल्यूशन अपनाना चाहिए कई प्रकार से उदाहरण के लिए आप खुद देख लीजिए हम जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इत्यादि जो हो रही है वो सारा कुछ हमारा समस्याओं को समाधान करने के लिए ही ये सारा साइंस टेक्नोलॉजी इत्यादि तो है ना ये सारा विज्ञान टेक्नोलॉजी हमारे समस्याओं को समाधान करने के लिए सारा कुछ बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये सारा साइंस टेक्नोलॉजी से हमारा समस्याएं कम हो जाना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए कम से नहीं तो कम से कम कम तो हो जाना चाहिए तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं तो हमारा समस्याओं की मात्रा घट जाना चाहिए बट अभी प्रश्न ये है कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ रहे हैं अभी प्रश्न है कि क्या समस्याएं घट रही है बढ़ रही है समस्याएं बढ़ने की यही न, सिम्टम्स है न, समाज में निरानंद बढ़ रही है न, और तनाव बढ़ रही है न, स्ट्रेस बढ़ जा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन बढ़ जा रहे हैं डिप्रेशन बढ़ जा रहे हैं मानसिक रोग बढ़ जा रहे हैं तो यही सारे चीजें बहुत बड़ा निदर्शन है कि समस्या समाधान होने की जगह वो समस्या बढ़ते जा रहे हैं And यही बात प्रहलाद महाराज में ही बता दिया बेटा आगे जाकर जो भी आप इन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो भी समाधान सोल्यूशन आप अपनाएंगे ना उससे समस्या बढ़ जाएगी बट हम सुनते नहीं हैं देन फिर हम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करके मिटेर सोल्यूशन अपनाने का प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे एंड अभी इस समाज को यहां तक गसीड कर लाया है तो इसलिए प्रहलाद महाराज ये बात कह रहे हैं एंड एक और महत्वपूर्ण बात सेकंड पैराग्राफ में शिल कहते हैं ये पांडव की राजा हैं ये बड़े बड़े साधुओं से भी बढ़कर संत है करके ये पांडव राजा है पांडव राजा है ये बड़े बड़े साधुओं से भी बढ़कर संत है इसलिए हमेशा ये मत सोचना कि संत हमेशा केवल गैरवा गैरवा वस्त्र में ही होते हैं हम्म ये कोई जरूरत नहीं है ना कोई ब्रह्मचारी सन्यासी ही होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पांडव तो कोई ना कोई ब्रह्मचारी है ना करह, ना कोई सन्यासी है बल्कि वे गृहस्थ है बट गृहस्थ होने के बावजूद भी यहाँ पर पांडव को साधारण साधुओं से भी बढ़कर साधु के रूप में स्वीकार किया जा रहे हैं इसलिए कभी ये मत सोचना मैं हम ग्रह होने के नाते हम क्या भक्ति कर सकते हैं हम भक्ति नहीं कर पाएंगे हो ही नहीं पाएगी करके अब देखना पांडव लोग प्रकार की भक्ति किया है जिसकी वजह से पांडवों को साधारण साधुओं से भी बढ़कर पद दिया जा रहा या ऊंचा माना जा रहे हैं इसलिए केवल इसलिए शिलूप्रभा जक्सर कहा करते थे कि

अगर अंकों से देखने का प्रयास करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे जब साधु से सुनेंगे तब पता चलेगा कि द डेप्थ ऑफ इज अंडरस्टैंडिंग हम्म द डेप्थ ऑफ इज रियलाइजेशन तो उनकी साक्षात्कार की गहराई उनकी समझ की गहराई हम्म और उनकी साक्षात्कार इत्यादि हमें जब उनसे सुनते हैं तब पता चलता है इसलिए शिल करते थे गो दे डू नॉट स्पीक जब तक मूर्ख बोलता नहीं है तब तक उन्हें पहचाना नहीं जाता क्योंकि मूर्ख भी बिल्कुल टाइप पैंट को शोट सब सब कुछ लगा बगा कर फिर आएगा पूरा परफ्यूम वगैरह डाल के तो समझ नहीं मूर्ख है कौन है पर जैसा मुंह खोलेगा तब पता चल जाएगी ये गदा है करके तो उस प्रकार से मूर्ख को भी सुनकर ही पहचाना जा सकता है उसी प्रकार से साधु को भी सुनकर पहचाना जा सकता है क्लैरिटी ऑफ इज अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ इज रियलाइजेशन

बातें शब्द ये केवल बुद्धि से जनित नहीं होनी चाहिए बुद्धि से आने वाला नहीं होता होनी चाहिए एक व्यक्ति के हृदय के अंतरंगों की शब्द है हृदय के अंतरंगों साक्षात्कार है जब व्यक्ति वचनों में शब्दों में बोलता है तो इन शब्दों के आधार पर ही समझा जा सकता है कि व्यक्ति कौन है क्या है उनकी क्या स्थिति है तो इसलिए यहाँ पर इसलिए पांडवों को इतना आसानी से नहीं माना जा सकता है केवल अगर उनकी बाहरिक वस्त्रों से अगर देखा जाए तो तो साधारण गृहस्थ की तरह ही एक भोगी राजा की तरह ही दिखाई देंगे एक भोगी के राजा की तरह तो दिखाई देंगे उसी प्रकार के वस्त्र इत्यादि पहना करते थे बट आप देखिए कि पांडवों को किस प्रकार से मान रहे हैं कितना बढ़ कर मान रहे हैं तो इस प्रकार की इसलिए भक्तों को इस प्रकार के बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन से इन, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए सारा ऐश्वर्य संपत्ति सुविधाएं भगवान के लिए होनी चाहिए और अपने लिए तो सरल जीवन होनी चाहिए जैसा उदाहरण के लिए हमारा इस्कॉन की एक मंदिर है नवी मुंबई में मुंबई में मुंबई वहां पर जो अभी इस नित्यान्त अभी आने वाला फेबर ट्वेंटी सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को उसकी उद्घाटन है उसकी ओपनिंग है वो मंदिर लगभग टू हंड्रेड करोड़ से बना हुआ है दो सौ करोड़ से ज्यादा धन से बना हुआ है बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के स्टैंडर्ड्स के साथ बना हुआ है चाहे टेंपल हॉल हो प्रोपा जी का म्यूजियम हो गेस्ट हाउस इत्यादि 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 सब कुछ एंड इतना धन इकट्ठा करके इतना बड़ा मंदिर भव्य मंदिर भगवान के लिए बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और फिर कई साल लगा भी इतना कुछ करने के बाद जो उसके अध्यक्ष जिसने इस पूरा प्रकल्प पर योजना को इतने सालों तक संभाला और आगे बढ़ा बढ़ाया वो व्यक्ति इतना कुछ सब सब कुछ हो जाए होने के बावजूद भी वो स्वयं उस बिल्डिंग में एक छोटा सा कोने में एक चट्टाई बिछाकर सोते हैं चट्टाई बिछाकर सोते हैं है खूब बट वो सारा ईश्वर भगवान के लिए बट अपने लिए क्या है अपने लिए तो चट्टाई और एक कोना काफी है तो इस प्रकार का होते हैं भक्त हम्मश्वर्य होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं बट वो भगवान के लिए बो और अपने लिए क्या है हम एक सरल साधु नौकर के जीवन हम तो उस प्रकार की भावना होनी चाहिए यही बात यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं सर्वे व्यम तावास महेता लोकम परम वीर दुष्कम विशोकम यस्यंत्ययं भागवत प्रधाना हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है तात्पर्य भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है उसकी सीमा से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं तथा पुरुषोत्तम लोक लोक केशव लोक अनिरुद्ध लोक लोक प्रद्युम लोक संकर्षण लोक श्रीधर लोक वासुदेव लोक लोक द्वारका लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोग जहाँ श्री भगवान अधिष्ठाता है वहां के समस्त जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर श्री भगवान के समान ही अध्यात्मिक है वहाँ भौतिक कलमश नहीं है हर वस्तु अध्यात्मिक है अतः वहाँ जो वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है वहाँ न जन्म न जरा न मृत्यु और न रोग है उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोगों में से में एक सर्वोच्च लोक है जो लोग जो गोलोक वृंदावन कहलाता है जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सभी ऋषि इसे पूर्व से ही देख सकते थे वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त भग देखने को नहीं मिलेगा जब श्री भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवगंत होता है तो इसमें शोक करने हेतु कुछ नहीं होता क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है अतः दुखी होने की बात तो है ही जिस प्रकार श्री भगवान बिरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं उसी प्रकार महान भक्त भी अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया आप सभी लोगों को वो सीन दिख रहे हैं ने पता है अब सारा ऋषि मुनि जुटे हुए हैं परीक्षित महाराज की अंतिम यात्रा चल रही है वे सारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि जब तक परीक्षित महाराज यहाँ से भगवधाम के लिए निकल नहीं पड़ेंगे तब तक हम उन्हीं के साथ यही रहेंगे सारा काम धंधा छोड़कर हम यही रहेंगे हम इन अंतिम समय तक इनको हम इनके दर्शन हम करना चाहते हैं ऐसे शिलूपा जाकर कितना सुंदर शब्द लिखे कि जिस प्रकार से भगवान के दर्शन दुर्लभ है उसी प्रकार से ही भक्तों का भी दर्शन दुर्लभ है हम्म hmm. जिस प्रकार से भगवान के दर्शन करना दुर्लभ है उसी प्रकार से भक्तों का भी दर्शन मिल पाना बहुत बो, दुर्लभ है एंड इसलिए जब जब भी हमें भक्तों के दर्शन करने का मौका मिले दर्शन करनी चाहिए दर्शन करनी चाहिए जैसे यहाँ पर तो सारा ऋषि मुनि तो जब तक परीक्षित महाराज अपने भगवदाम वापस नहीं लौटेंगे तब तक वो सभी लोग निश्चय किए कि हम यही रहेंगे ताकि परीक्षित महाराज के दर्शन हमें होते रहे उनकी शास्त्र में एक भजन में इस प्रकार से गाया जाता है गंगारे पार से हो पाश्चात पावना दर्शन पवित्र करो तो हमारा गुना श्लोक इस इस में बताया जा रहा है गंगा देवी भी क्यों ना हो गंगा देवी में बारंबार नहाने पे ही व्यक्ति शुद्ध होता है गंगारा पारस हो पाश्चात पाश्चात मतलब बारंबार बारंबार जब गंगा नदी में नहाते हैं तब जाकर व्यक्ति शुद्ध होने लगता है hmm. बट एक वैष्णव के विषय में बताया जाए दर्शन पवित्र करो ना? केवल वैष्णव के दर्शन करने मात्र से भी एक व्यक्ति शुद्ध होने लग जाता है दर्शन करने मात्र से ही एक व्यक्ति शुद्ध होने लग जाता है गंगा नदी में तो डुबकी लगाना होगा बट यहाँ पर तो डुबकी लगाने के बजाय उतने बड़ा यहाँ पर उनके दर्शन होने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है इसलिए यहाँ पर सारा ऋषि मुनि जो है खड़े हैं उनके दर्शन करने परीक्षित महाराज के दर्शन करने एंड अब देखिए परीक्षित महाराज गृहस्थ थे परीक्षित महाराज गृहस्थ थे और इतना बड़ा राज के बाहर संभाल रहे थे कई बार लोगों को लगता है कि में जॉब करते हो कैसे भक्ति करूं हो नहीं पा रहे बहुत बिजी हूं टाइम नहीं मिल पा रहे हम्म यही प्रश्न कि क्या परीक्षित महाराज से ज्यादा राज संभाल रहे हम लोग आपकी राज्य की क्या सीमा है <laughs> कितना के विस्तार है आपकी राज्य hmm. पांच सौ हजार लाखों क्रोस hmm. कितना बड़ा है राज नहीं है अपनी परीक्षित महाराज इतना गृहस्थ भी थे और फिर इतना बड़ा राज भी संभाल रहे थे चक्रवर्ती थे फिर भी खूब अच्छा भक्ति कर रहे थे खड़े होकर उनके दर्शन करना चाह रहे हैं ये कौन सा ऐसा महात्मा है जो अभी शरीर छोड़ने वाले हैं जो भगवत धाम जाने वाले करके सारे साधु संत खड़े होकर उनके दर्शन कर रहे हैं न? तो मतलब कितना ऊंचा संत तो वो बन चुके थे परीक्षित महाराज गृहस्थ होते हुए भी एक राज संभालते हुए तो आप देखना हाँ। तो इसलिए हम्म तो वैसा महान विभूतियों से हम प्रेरणा लेनी चाहिए भक्ति करने के लिए And, यहाँ पर भगवान के धाम के विषय में बताए जा रहे हैं ना परीक्षित महाराज अभी वैसा स्थान पे वैसा गति को प्राप्त करने वाले हैं जहां पर किसी भी प्रकार की शोक नहीं है तो बहुत अच्छा समाचार है हमारे लिए शोक तप्त जीवन के लिए एक ऐसा स्थान एक ऐसा गति ऑफर किया जा रहा है ठीक है वहां चल वहां आइएगा वहां पर कोई शोक नहीं है करके भगवान इनविटेशन दे रहे कि आप मेरे पास आ जाओ यहाँ पर कोई शोक नहीं है कोई दुख नहीं है देर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना कोई शारीरिक ना शारी, ना कोई शारीरिक क्लेश ना कोई मानसिक क्लेश ना कोई अन्य जीवों की वजह से क्लेश ना कोई प्रकृति के वैपरीत्यों की वजह से कोई क्लेश कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं कोई भी क्लेश नहीं है तो उस प्रकार की किसी भी प्रकार की कष्ट या शोक नहीं होता है इसलिए उसको वैकुंठा कहा जाता है वैकुंठ जगत कहा जाता है कुंठा मतलब एंजाइटी परेशानी या परेशानी या कष्ट वैकुंठा मतलब जहाँ पर कोई खुंठ नहीं है जो कष्ट नहीं है जो कोई परेशानी नहीं है वैसा स्थान को वैकुंठा कहा जाता है और वैसा वैकुंठ जगत के लिए भगवान आमंत्रण दे रहे हैं आप यहाँ पर वैकुंठ में आ जाओ यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर जैसे तात्पर्य विश्व कृपा जी बता रहे हैं इस पूरा सृष्टि के सृष्टि में सृष्टि दो विभाग होता है एक तो भौतिक सृष्टि दूसरा आध्यात्मिक सृष्टि होता है एंड आध्यात्मिक सृष्टि को परव्योम कहा जाता है परव्योम एंड ऐसा परव्योम में जिस प्रकार से हमारा भौतिक सृष्टि के अंतर्गत आकाश है और आकाश में सारे ब्रह्मांड फ्लोट कर रही है तैर रही है उसी प्रकार से ही परव्योम में भी परमव्योम नामक दिव्य जगत में अनेक प्रकार की वैकुंठ ग्रह है जैसे यहाँ पर अनेक ब्रह्मांड है वहां पर अनेक वैकुंठ का कुछ प्लैनेट्स का नाम यहाँ पर शिल जैसे त्रिविक्रम लोक ऋषिकेश लोक पुरुषोत्तम लोक केशव लोक लोक, लोक, लोक प्रद्युम्न लोक वासुदेव लोक इत्यादि जा, अनेक, अनेक अनेक लोक है तो अब बताइए कहा जाना है कौन सा लोक में जाना चाहते हैं प्रद्युम्न अनिरुद्धा वासुदेव संकर्षण कौन सा लोक में जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे कोई बात नहीं फिर यही रहना वैसे भी टिकट नहीं है वहां पर भी कितना वेराइटी है ना अगर ये भी नहीं कि एक ही प्लेनेट है बस वही जाना है अनेक प्रकार की प्लानिट्स है और अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं जैसे यहाँ पर जो जगत में भी हम देखते हैं ना सिंगापुर मलेशिया ये वो सारा डिफरेंट डिफरेंट स्थानों का अपना अपना एक खासियत है दूसरी प्रकार से भगवान के धाम में भी अलग अलग ग्रह है सभी अलग अलग ग्रहों का अपना अपने खासियत है स्पेशलिटी है हरे कृष्णा टू ऑल डि इज अभी थोड़ा सा ना इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इश्यू है तो प्रभु जी ट्राई करते हैं तो दोबारा से ज्वाइन करने का हम वेट करते हैं प्रभु को सभी हरे कृष्ण हरे आवाज हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामी ठीक है तो बेसिकल वही है परव्योम के विषय में बता रहे थे कभी समय मिला तो होकर आ सकते हैं देख लेना खुद से ही ठीक है नेक्स्ट श्लोका हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हाँ एक्चुअली मेरे बैटरी खत्म हो गया तो पूरा बंद हो गया रीओपनिंग हो रही थी

आश्रुत्य तद्रशी गणवच परीक्षे समम मधुचुद गुरुचा गुरुचा व्यालिकम आभास तन्तैनान अभिनंद्य युक्तान श्रुश्रूषमानश्चरितानि विष्णु महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया सकते था अतः उन्हें सुनने के लिए सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया जी तात्पर्य नहीं। हुँ। हुँ। तो जो कुछ भी महर्ष महर्षियों ने कहा वो तो बहुत ही मधुर भी था एंड पूरा अर्थ भी था उसका बहुत सुंदर प्रकार से उन लोगों ने प्रस्तुत भी किया और ये सारे बातें सुनने के उपरांत महाराज परीक्षित ने अपना जिज्ञास व्यक्त किया है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण करने के प्रति तो यहां देख सकते हो परीक्षित महाराज सही में बहुत ही उत्तम श्रोता है बहुत उत्तम श्रोता है सही में एक श्रोता को एक, श्रो, एक श्रोता को कि किस प्रकार से होना चाहिए परीक्षित महाराज से सीखने सीखना चाहिए एक अच्छा श्रोता को कैसे होनी चाहिए जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज आप देखिए कि समय समय पर परीक्षित महाराज वो अपना इच्छा बारंबार सुखदेव गोस्वामी के सामने व्यक्त करते हैं कि शोइंग एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर हिज इंटेंस डिजायर और ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने का उत्सुकता उनके अंदर है तो ये श्रोताओं में होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने का लालसा इच्छा उत्सुकता ये होनी चाहिए श्रोताओं में एंड ये समय समय पर जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने व्यक्त किया उसी प्रकार से ही व्यक्त किया जा सकता है व्यक्त किया जा सकता है इससे वक्ता को भी इंगेजमेंट मिलता है एंड फिर वो भागवत बिकॉज़ उस प्रकार से नहीं एक बहुत ही मीठा संबंध बनता है श्रोता और वक्ता के बीच में इस प्रकार के एक्सचेंजेस के द्वारा इस प्रकार के एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन के द्वारा उस प्रकार की एक मिठास मीठा, मीठा संबंध बनता है जब इस संबंध इस प्रकार के होता है देन फिर उस समय वो भागवत प्रकट होने के लिए एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म मिल जाता है ये जो जो इस संबंध मिठास में वो भागवत प्रकट होने के लिए बहुत बहुत अद्भुत एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है भागवत प्रकट होने के लिए हम्म इसलिए एक श्रोता को भी योग्य होना होता है अगर सही में भागवत प्रकट होने के लिए जैसे यहाँ परीक्षित महाराज उस प्रकार के उत्तम कोटि की श्रोता है परीक्षित महाराज बिल्कुल परफेक्ट अटेंशन है परफेक्ट इंक्विजिटिवनेस है परफेक्ट ईगरनेस है भगवान की लीलाओं के विषय में सुनने के लिए और परफेक्ट मोड है एंड वैरागी है बहुत सब कुछ है इस प्रकार से बहुत से उनके गुण है जिसकी वजह से वो परफेक्ट श्रोता के रूप में माना जाता है इसलिए भागवत के अनेक कॉम्बिनेशन रहा है जैसा हम्मत गोस्वामी सावन का का भी कॉम्बिनेशन है मैत्रेय विदुर का भी एक कॉम्बिनेशन है और इसी प्रकार से भागवत में अनेक प्रकार की कॉम्बिनेशन या श्रोता और वक्ता के कॉम्बिनेशन आते हैं उन सारे कॉम्बिनेशन में सबसे उत्तम कॉम्बिनेशन माना जाता है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है परफेक्ट जोड़ी है दोनों की इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट होने से ये भागवत की आस्वादन रुचि और बढ़ गई और इतना बढ़ गई कि जो भागवत की जो ओरिजिनल वक्ता है वो खुद आकर सामने बैठ के सुनने जो भागवत को ओरिजिनल वक्ता व्यासदेव नारद मुनि नारद मुनि व्यासदेव को सुनाए व्यासदेव ने सारा भागवत लिखा एंड फिर वैसा मुनि भी बैठ गए और व्यासदेव भी बैठ गए सुन रहे तो थे सुखदेव गोस्वामी आप बताते रहो हम सुनेंगे इधर के सुखदेव hmm. स्वामी किसने सुनाया भागवत व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को पटाए थे भागवत सारा एंड hmm. टीचर आकर सामने बैठकर सुन रहे हैं मतलब सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत सुनने में क्या आनंद है कि टीचर आकर बैठकर सुन रहे हैं इतना अद्वितीय है सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी रूपी वक्ता समतवर्वे वेदा दरा स्त्री फिर पृष्ठे नेहात नामूत्र नामूत्र कशन था हुए आप सभी परम के जो तीनों लोगों के ऊपर के लोग सत्य लोग का निवासी है फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपके अन्य कोई रुचि नहीं है तात्पर्य के ऐश्वर्य हैं। संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब श्री भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सभी गुण आंशिक रूप से अधिक से अधिक अठहत्तर प्रतिशत पाए जाते हैं भौतिक जगत में ये गुण श्री भगवान के गुणों के अठहत्तर प्रतिशत तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है मेघों से आच्छन सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है इसी प्रकार ऐसे मूल रंग प्राय लुप्त रहता है ब्रह्मांड में लोग ब्रह्मांड में लोगों के तीन वर्ग हैं, जिनके नाम हैं अधोलोक मध्यलोक तथा उर्धलोक पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध लोकों में रहते हैं जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है सत्यलोक के सभी निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते हैं और इस प्रकार माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं फल स्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते वे एक प्रकार से इच्छा रहित भक्त हैं पार्थिव जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं तो फिर वे पार्थिव जगत में क्यों आते हैं वे श्री भगवान के आदेश से विभिन्न लोगों में पतीतात्माओं का उद्धार करने हेतु मसीहा उद्धार करता के रूप में आते हैं वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का कल्याण करते हैं उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता जैसे यहां पर बताए जा रहे हैं राजा परीक्षित महाराज सारा साधुओं को वहां पर एकत्रित जितने भी ऋषि मुनि थे जिसमें नारद मुनि व्यास देव इत्यादि इत्यादि सुत गोस्वामी इत्यादि और भी कई सारे ऋषि मुनि वहाँ पर सभी एकत्रित हुए थे एंड उस सभा को संबोधित करते हुए परीक्षित महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं आप सभी अत्यंत दयावश यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो कि इस ब्रह्मांड की अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो इसका मतलब जब ये परीक्षा सुखदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे थे एंड ये जब बात जब पता नहीं कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लोट किए थे बट सभी को पता चल गया पूरा का पूरा ब्रह्मांड में पता चले। गया वंडरफुल कम्युनिकेशन है आजकल कथा होता है एंड उसका पोस्टर के सहित हर जगह डाला जाता है बट फिर भी कोई पहुंचता नहीं है बट उस समय ना कोई एडवर्टाइजमेंट था ना कोई पब्लिसिटी था ना कुछ था बट फिर भी पता नहीं लोगों को कैसे पता चल गया सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे करके इस ब्रह्मांड के कोने कोने सारे ऋषि मुनि सभी एकत्रित हो गए थे कथा सुनने कथा सुनने इस प्रकार की लालसा होनी चाहिए कथा सुनने के लिए कथा सुनने के लिए इस प्रकार की लालसा होनी चाहिए वैसे तो ग्राम में कथा सुनने में तो बहुत आनंद आता है ग्राम में कथा मतलब ग्राम की वार्ता ग्राम की वार्ता मतलब मंडेन टॉक मंडेन टॉक इस भौतिक जगत की वार्तालाप करने में तो बहुत रुचि आता है भगवान के संबंध में अगर कथा हो हम लोगों को इतना आनंद नहीं आ पाता है बट यहाँ पर कि ये ऋषि मुनि के अंदर एक कितना लालसा है कि सभी कहा, कहा से भाग भाग कर आ गए थे फिर ये क्या है? कोई मूर्ख है क्या कि मतलब कि कोई मूर्ख भी तो नहीं है कि न, उनको कुछ जानकारी नहीं इसलिए जानने के लिए आए थे परीक्षित महाराज यहाँ पर कह रहे थे नॉलेजेबल आप सभी बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान हो न, जैसे कि नारद मुनि व्यासदेव सुध गोस्वामी ये सभी बहुत बड़े बड़े विद्वान है न, वही कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं जो कथा व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था व्यासदेव ने जो सुखदेव को गोस्वामी जो कथा सुनाए थे वही कथा सुखदेव को गोस्वामी सुना रहे हैं एंड इस बार व्यासदेव बैठकर सुन रहे हैं तो यहाँ पर व्यासदेव केवल उस कथा के दौरान इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए नहीं आए थे केवल चीजों को जानने के लिए नहीं आए थे बट यहाँ पर व्यासदेव अगर जानने के लिए क्यों आने का क्या जरूरत है उनको उनको तो सब कुछ ही पता है वो खुद ही बताए थे सुखदेव गोस्वामी इसलिए जानने के लिए नहीं आए थे बट उस खता के आस्वादन करने के लिए आए थे गोस्वामी मुख से जब वो खता प्रकट होता है वो अत्यंत मधुर हो जाता है और तो इसलिए उस खता की मधुरता के करने के लिए सभी आ गए थे एंड उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर महाराज कहते हैं हालांकि आप अलग, अलग अलग लोकों में रहते थे, रहते तो हैं बट फिर भी आप लोग अत्यंत दयावश क्योंकि आप लोगों के अंदर हमेशा ही अच्छा रहती है अन्यों की भलाई करने का इसलिए हालांकि आपका कोई स्वार्थ नहीं है बट फिर भी आप हमारे लिए यहाँ पर आ, आ गए हैं करके परीक्षित महाराज यहाँ पर सभी लोगों से कह रहे हैं <laughs> इन जिस प्रकार से यहां पर बताए जा रहे हैं कि भगवान और जीव में व्यक्ति बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि एक जीव में भगवान के तुलना सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द क्वालिटीज होना संभव है अगर भगवान में हंड्रेड परसेंट है देन एक मैक्सिमम सेवेंटी एट परसेंट तक हो सकता है बस इससे आगे नहीं बढ़ पस, बढ़ सकते हैं मैक्सिमम hmm. तक हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान हंड्रेड परसेंट होते हैं ये अंतर होता है ये अंतर होता है एक्चुअल क्वालिटी की गणना में जाए तो भगवान में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण होता है होते हैं 64 गुण होते हैं एंड महाविष्णु में 60 गुण होते हैं चार कम ही होते हैं कृष्ण के तुलना में भी चार गुण कम होते हैं महाविष्णु में श्री कृष्ण में तो पूर्ण पुरुषोत्तम है इसलिए 64 गुण और महाविष्णु में 60 गुण और उसी प्रकार से शिवजी में 55 गुण एंड फिर ब्रह्मा जी और अन्य जीवों में मैक्सिमम पचास गुण तक हो सकते हैं तो इस प्रकार की गणना होता है तो अगर ये सारे मतलब ये सारे गुण की मात्रा में भी डिफरेंस है ये पचास गुण जीवों में पूर्ण मात्रा में नहीं मिलते हैं ये पचास गुणों का भी पूर्णता जो है भगवान श्री कृष्ण में ही मिलेंगे हमें हाँ तो थोड़ा झलक वलक मिलता है पूर्णता भगवान में पाया जाता है। तो इस 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 प्रकार से इस जीवों के अंतर्गत सबसे बड़ा जीव आत्मा तो ब्रह्मा जी है ब्रह्मा जी है जिनमें इस गुणों की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है सबसे ज्यादा पाया जाता है तो उस प्रकार से जी साधारण जीव और विष्णु शिवजी और कृष्ण इन सब गुणों के आधार पर अंतर है एंड जिस <coughs> प्रकार से यहां पर बता रहे हैं शुद्ध भक्तों के विषय में भगवान के जो जैसा गीता में भगवान ने कहा है वैसा दो प्रकार का जीव है, एक तो नित्य सिद्ध दूसरा नित्य बद्ध ये दो प्रकार के जीव जिसे क्षरा अक्षरा भी कहा जाता है हम्म क्षरा अक्षरा इत, उच्चते करके बताया जाता है तो ये दो प्रकार के जीवों में क्षरा मतलब फैलेबल है अक्षरा मतलब इनफेलेबल है या अन्य में कहा जाए एक अच्छ है दूसरा अच्छुत है अच्छुत मतलब जिनका पतन नहीं हो सकता है एक का पतन हो सकता है दूसरा का पतन नहीं हो सकता है। उस प्रकार से जो नित्य सिद्ध पार्षद जो भगवान के हैं वो कभी कभी इस पृथ्वी लोग पर आते हैं वो अपने कर्मों की वजह से मजबूर होकर नहीं आते हैं बल्कि जो बद्ध जीवों को उद्धार करने हैं तो फिर वो लोग यहाँ आते हैं बद्ध जीवों को उद्धार करने हेतु तो ये नित्य सिद्ध पार्षद जो है इस धरातल पे आते हैं तो इस प्रकार से उनके विषय में भी यहाँ पर कहते हैं एंड फिर कभी ये नहीं सोचना कि जब वो लोग हमारे मुक्त करने आए फिर उनको हम सोचते हैं कि ये भी हमारी तरह बद जीव है करके जैसा अगर मानो कभी कोई जेलर जो है जेल में थोड़ा इंस्पेक्शन करने घूमने जाते हैं देन अगर सारा खरीदी सोचे कि ये तो अंदर ही आ गई ये तो हमारे ही हमारे ही हमारा ही हिस्सा बन गया अगर बाकी खरीदी सोचने लगे ये भी खरीदी बन गया करके जेलर को देखते हुए देख कर हम्म वो तो इंस्पेक्शन करने आया था वो देखने आया था और उनको सोचकर आप सोच रहे कि ये भी हमारे जैसे खरीदी बन गया नहीं वो मूर्खता है वो खरीदी नहीं है वो कुछ और काम से आए हुए थे तो उस प्रकार से समझना होगा शुद्ध भक्तों की आगमन को and they are all deliverers. And वो आते यहाँ पर एंड यहाँ पर जितना हो सके उतने लोगों को अपने साथ बहुत दाम ले जाते हैं जैसा कि शिल प्रभा जी आए थे शिल प्रूपा जी आप सभी लोगों लोग कर रहे हैं धीमे इकट्ठा कर करके फिर ले जाएंगे हम्म तो उस प्रकार से शिलोप्रपा जी एक कारण जन्म है ठीक है फिर यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं अरे कृष्ण

हरे राम हरे राम 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 हरे हरे किसी का कुछ प्रश्न हो तो हैंडरेस कर सकते हैं बेटिस हरे कृष्णा प्रभु जी एचएन गुप्ता प्रभु जी आप प्लीज हो सकते हैं तू? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हां दंडवत प्रभु जी मेरा छोटा सा एक जिज्ञासा है या प्रश्न भी कह सकते हैं कि भगवान की कई सारी रानियां क्यों थीं जैसे श्री रामचंद्र जी की सीता माता जी थीं तो भगवान जी की कई सारी मतलब रानियां थीं तो प्रभु जी थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए प्रभु जी इसमें क्या समस्या है है तो है <laughs> प्रभु जी कुछ मित्रगण ऐसी मतलब बात करते हैं। तो मतलब मैं अब इसका मतलब प्रश्न का उत्तर मैं दे नहीं दे पाया तो मैंने कहा मैं प्रभु जी से पूछूंगा देखिए उन लोगों की कैपेसिटी लिमिटेड है ये की पत्नी को संभाल नहीं पा रहे है बट भगवान के पास अनलिमिटेड है वो तो सोलह हजार तक रोक दिए थे बट भगवान सोलह हजार कम है सोलह करोड़ होने चाहिए सोलह लाख सोलह लाख करोड़ होनी चाहिए भगवान की पत्नी तो हम्मर इन वन सेंस जितने भी जीव है सभी का सभी भगवान का ही तो हम्म भगवान भा, का ही तो शक्ति है जितने भी जीव है सभी स्त्री है प्रकृति है एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण है बाकी सारे जीव, जीव प्रकृति है चाहे अभी के के समय पर पुरुष शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में हो सभी के सभी प्रकृति है एंड सभी के सभी भगवान का ही शक्ति का हिस्सा है एंड सभी का जीवों का पालन भरण पोषण करने वाला भरता है भगवान श्री कृष्ण ही चाहे वो पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में हो ये सोलह हजार एक सौ आठ तो ये लिमिटेड नंबर दिखाई गए हैं बट एक्चुअली कहा जाए तो अनगिनत है उनको बताइए गए सोलह हजार एक सौ आठ तो आपको ये तो लिमिटेड नंबर ही आपको पता है बट भगवान का तो अनगिनत पत्नियां है अनगिनत है ना क्या है ना? ना? ना, ना लोगों की ईर्ष्या है लोगों जी, की इच्छा है जी जी <laughs> मेरे को मेरे को तो एक ही पत्नी है भगवान के पास तो पत्नियां हैं जी जी <laughs> की मतलब आ, मतलब वो आ, पूछते हैं कि उनकी आठ तो उनकी स्पेशल वाइफ्स थी हाँ। और सिक्सटीन थाउजेंड वन जो है ना उनकी अदर्स वाइफ थी जी तो उन्होंने मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया और वाई वाई मतलब ही हैज Uh, मतलब एट एट स्पेशल वाइफ्स एंड सिक्सटीन थाउजेंड वन अदर वाइफ्स इन आठ पत्नियों को तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इच्छा करके उन लोगों के पास जा जाकर अलग अलग प्रकार से उन सभी लोगों के साथ इन आठ लोगों के साथ शादी हुई ये प्रधान पत्नियां है भगवान के एंड yes, yes. बाकी जो सोलह हजार एक सौ पत्नियां हैं उन सभी लोगों के साथ भगवान के विवाह ये एक संदर्भ में हुआ था जब एक 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 असुर था जिसने अनेक कन्याओं को वो अपहरण करके वो अपना जेल में बंदी कर दिए थे देन फिर जब उस असुर को भगवान ने मारा देन फिर इस सारा कन्याओं को जेल से मुक्ति मिल गया जैसे मुक्ति मिल गया मुक्ति दिलाने के बाद भगवान मतलब उनको सभी 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 लोगों लोगों को को छोड़ दिया गया था मुक्ति मिल गई लोग लोग फिर लोग जो है कृष्ण के पास आ गए थे फिर कृष्ण से कहने लगे आप हमें मुक्ति क्यों दिलाया हम्म क्योंकि अभी हमारे ऐसा स्थिति है क्योंकि वैदिक संप्रदाय में ऐसा है कि अगर कोई स्त्री अकेली अगर एक रात भी आ, कहीं और बिठा देती है फिर उनको फिर वो कल मतलब अंदर स्वीकारा नहीं जाता तो उस स्थिति में हम तो इतने दिनों से यहाँ पर इस असुर की जेल में थी देन फिर हम लोगों को ना हमारा परिवार वाले स्वीकार कर पाएंगे ना हमसे कोई शादी करेगा तो हमारा जीवन तो बर्बाद ही हो गया तो हम बाहर आकर भी कोई फायदा नहीं रहा तो इस स्थिति में हमारे लिए क्या गति है तो इसलिए हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपने ही हमें मुक्त करा है इनसे तो आप ही हमें अपने पति के रूप में स्वीकार करो अपने पत्नियों के रूप में हम लोग को स्वीकार करिए करके जब इन सभी लोगों ने भगवान के सिर सामने रो रो कर जब उन लोगों ने बहुत बहुत आग्रह करी कि हमें स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो करके उनके ऊपर दया करते हुए भगवान इन सभी लोगों को आश्रय देते हुए अपना पत्नियों के रूप में स्वीकार किया hmm. पत्नियों के रूप में hmm. स्वीकार किया hmm. नहीं तो फिर उन लोगों की हालत बहुत खराब होने वाली थी उन लोगों को आश्रय देने हेतु भगवान ने इस प्रकार से उन सभी लोगों को स्वीकार किया है ना तो उस प्रकार से ठीक है और प्रभु जो जो स्पेशल जो एट वाइफ थी उनका प्रभु क्या रहस्य मतलब अब उनका हर एक का एक एक स्टोरी है ओके रुक्मिनी का एक स्टोरी है जाम का एक स्टोरी है का, उन, तो इसी प्रकार से बाकी सत्य सत्यभामा जी 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 यमुना जी सारे स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं यस 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 ओके हरे कृष्ण प्रभु जी नोडा रजत प्रभु जी आप पूछ सकते येस, 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 okay. Krishna, जी। आप हैं जी जी बोलिए हरे कृष्णा नोएडा रजत प्रभु नोए रजत प्रभु जी

जीवात्मा को हमेशा चेष्टा करनी चाहिए गोलोक वृंदावन जाने की बट इन केस अगर वो किसी और स्पिरिचुअल प्लेनेट में चले गया लाइक अच्युत लोका त्रिविक्रमा लोका सो वहां से भी क्या बोलते हैं फॉल डाउन होने के चांसेस होते हैं या फिर वो वहीं पे ही रहती है जीवात्मा जीवात्मा एक बार वापस लौटने के बाद वही रहेंगे ओके देन इट देयर इज नो चांस टू टू गो इन गोलोक वृंदावन अगर वो कहीं इधर-उधर अटक गए तो अच्छा हाँ वहां से प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये yes, क्वेश्चन <laughs> उसके लिए बृहद भागवतामृता करके ग्रंथ है वो पढ़ना पड़ेगा तो उसमें बताया जाता है गोलोक वृंदावन कोई और अन्य ग्रह से सीधा जाने का अनुमति नहीं होता है गोलोक वृंदावन केवल और केवल भौम वृंदावन से ही जाया जा सकता है वैकुंठ से भी सीधा कोई गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता अगर वैकुंठ से गोलोक वृंदावन जाना है तो पहले उनको भूलोक में भौम वृंदावन में जन्म लेना पड़ेगा फिर यहाँ से ही आप जा सकते हैं है ना हम्म तो ऐसा अति दिव्य धाम है ये भौम वृंदावन जहाँ पर एक दिन के लिए हम जाकर आ जाते हैं ठीक है धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी तरुण गौतम ओमान प्रभु जी आप पूछ सकते हैं हरे कृष्ण मैं आपको अनम्यूट करता हूँ हरे कृष्णा प्रभु जी धनभ प्रणाम प्रभु जी जैसे भी आपने बताया पूर्णतः भगवान में पाए जाते हैं जिसमें सर्वाधिक ब्रह्मा जी में है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया वैसे तो बोलते हैं कि कृष्ण सर्वप्रिय है कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है तो गुण कृष्ण जी में कैसे कम रहे कृष्ण जी में कम नहीं है ना नहीं। जीवों की श्रृंखला में ज्यादा ब्रह्मा में होगा ओके जीवों के अंतर्गत क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो एक जीव ही तो है कृष्ण के अंदर तो चौसठ गुण है ब्रह्मा जी और बाकी अन्य जीवों में तो पचास गुण है इन पचास गुणों में भी अगर मात्रा में देखा जाए बिकॉज तो सबसे शुद्ध और सबसे वरिष्ठ तो हमारा जीवों में तो ब्रह्मा जी है ना तो इसलिए ब्रह्मा में अधिक गुण होता है हरे okay. कृष्ण okay. माता जी स्वाति माता जी हरे कृष्णा स्वाति भटनागर माता जी आप पूछ सकते हैं कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण जी प्रभु जी मेरा प्रश्न भी गुण से रिलेटेड ही था ये गुण वाला जो आपने बताया था ना एक बार आप प्लीज दोबारा से बता दीजिए कि आपने बताया था ना कि कृष्णा में इतने गुण होते हैं और विष्णु जी में इतने और ब्रह्मा जी एक बार आप दोबारा से बता दीजिए अच्छा श्री कृष्ण में चौसठ गुण होते हैं बोले वैसा तो आनंद गुण है भगवान में चौसठ प्रदान क्लासिफिकेशन है बस चौसठ गुण होते हैं एंड विष्णु में साठ होते हैं अच्छा। और शिव जी में पचपन और जीव तत्व में पचास तो आ, मतलब शिव जी कृष्ण जी और विष्णु जी इन तीन को हम सुपीरियर मानते हैं ब्रह्मा जी जीव की कैटेगरी में आ जाए ब्रह्मा जी जीव की कैटेगरी में आते हैं शिव जी का तत्व ही अलग है तो अभी हम ये जिन गुनास की बात कर रहे हैं ये हम डिवाइन वाले गुण की बात कर रहे हैं हाँ अच्छे गुण ये सारे डिवाइन मतलब ये वो सारे गुण है जो हम लोगों में मतलब मनुष्य में नहीं होते हैं। वो, वो वाले गुण है डिवाइन क्वालिटीज जिसको हम कहते हैं मतलब ये, ये वो वाले गुण नहीं जीव भी भगवान का ही एक अंश है ना जीव भी भगवान का अंश होने के नाते जो भी भगवान में है वही चीज जीव में भी एक छोटी मात्रा में दिखाई देते हैं जिस प्रकार से समुद्र और समुद्र के एक बूंद समुद्र भी तो नमकीन ही होता है और समुद्र का बूंद भी नमकीन ही होता है बट नमक की मात्रा दोनों में अंतर है, है ना तो तो जैसे जब हमने गीता में जैसे जब जितना मुझे समझ में आया था तो मुझे ये समझ में आया था कि जैसे हमारा जो शरीर है और आत्मा है दो हैं तो उनके जो तत्व हैं वो अलग अलग तत्वों से बने हुए हैं तो लेकिन जो हमारा आत्मा तत्व है वो हमारा आया भगवान से ही बना हुआ एक तरीके से वो उसको हम कह सकते हैं कि वो सागर में बूंद की समान है लेकिन उसमें ये भी डिस्क्रिप्शन है कि कृष्ण का जो तत्व है वो मनुष्य के जो तत्व है उससे बिल्कुल अलग है वो डिवाइन है तो मेरा प्रश्न यही था एक्चुअली कि ये जो जो हम अभी आपने के बारे में बताया था जैसे 64 गुण जो है कृष्णा में है, है तो ये वाले गुण जो है ये उन्हीं डिवाइन वाले गुणों की बात हो रही है यहाँ पर हाँ डिवाइन क्वालिटीज है वो डिवाइन क्वालिटीज हम में भी थोड़ी मात्रा में है हम भी थोड़ी मात्रा हम में भी ठीक है तो। जैसा नम्रता सहनशीलता है ठीक ना के ना की बराबर क्यों ना हो थोड़ी थोड़ी तो थो है जी जी, उसकी मात्रा अनंत रूप में भगवान में है ठीक है तो, हरे कृष्णा, यहाँ समाप्त कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी प्रम सब हरे कृष्ण टू ऑल सो अभी ए, एक बार हम प्रभु जी का आ, एक बार धन्यवाद करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से हमने आज श्रवण करा श्रीमद भागवतम का एक बार हम सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू प्रभु जी ठीक है तो एक बार ही हम समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा आज हमने आ, जो हमने प्रभु जी से सीखा और श्रवण करा है ना तो थोड़ा सा समराइज करके फिर हम आ, सेशन को तो आज हमने प्रभु जी से यही श्रवण करा कि विक्षित महाराज जो थे है ना वो थे तो ग्रहस थे है ना गृहस्थ थे और राजा थे राजा थे तो बहुत ही आसानी से जैसे उनको श्राप मिला था है ना ब्राह्मण के जो बालक से जो श्राप मिला था तो उस श्राप की वजह से जो ज, 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 जिस 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 कारण फिर उनको गंगा नदी के तट पर भागवतम सुनने का मौका मिला है ना तो वहाँ पर जब वो ऋषि मुनियों के समक्ष और सुखदेव गोस्वामी के समक्ष भागवतम का श्रवन करने के लिए आए थे तो बड़ी आसानी से वो उन्होंने अपनी पोजीशन जो थी अपनी जो जो राजा पद की पोजीशन थी वो बड़ी आसानी से छोड़ छोड़ पा रहे थे है ना क्योंकि उनकी पहले से ही तैयारी थी क्योंकि वो पहले से ही विरक्त थे इसीलिए उनको वो पोजीशन छोड़ने में जरा सी भी कठिनाई नहीं हुई कौन सी पोजीशन जो उनकी राजा वाली पोजीशन थी वो राजा थे बहुत बड़े राजा थे है ना तो उन्होंने बड़ी आसानी से वो पोजिशन अपने पुत्र को हैंड ओवर करी और जैसे ही उनको मौका मिला कि उनको अब श्री भगवान के श्री चरणों में सेवा करने का मौका है ना उनके चरण कमलों की सेवा का मौका और श्रीमद भागवतम की कथा का मौका सुनने का जो मिला उनको तो उन्होंने तो अपना जो भौतिक पोजीशन थी जो राजा वाली पोजीशन थी वो बड़ी आसानी से छोड़ पाए है ना तो वो क्यों कर पा रहे थे क्योंकि उनकी जो परंपरा थी उनके जो युद्धेश्वर महाराज थे वो भी वैसे ही उन्होंने हैंड करा था इन, महाराज को राजावली पदवी है ना तो परंपरा में ही ऐसा चला आ रहा था है ना तो बड़े आसानी से वो विरक्त वाली भावना उन सब में थी तो वो ऐसा कहा गया श्रीमद् भागवतम में कि वो जो संत लोग हैं जो ऋषि मुनि हैं उनसे भी बढ़कर थे है ना उनसे भी बड़ी पदवी उनको दी जा रही है, है ना कंपेयर करा जा उन, उनसे ज्यादा कंपेयर करा जा रहा है कि वो उनसे ज्यादा विरक्त जाता उन, उनका श्री कृष्ण भगवान के प्रति ज्यादा प्रेम था है ना तो प्रेम की वजह से ही वो अपना जो ये पोजीशन था भौतिक पोजीशन बड़ी आसानी से छोड़ पाए और उन उन्होंने जैसे ही उनको मौका मिला नेक्स्ट स्पिरिचुअल वाला अः श्रीमद भागवतम सुनने का तो बड़ी आसानी से वो पोजिशन छोड़ पाए है ना तो कहने का भाव यही है कि जैसे ही उनपे मटीरियल प्रॉब्लम आई है ना वैसे ही उन्होंने एक स्पिरिचुअल सोल्यूशन जैसे ही उनको मिला उन्होंने बड़ी आसानी से उसको एक्सेप्ट करा और मटेरियल प्रॉब्लम से वो निकल पाए जो भौतिक जीवन में सामान्य जीवों के साथ लगभग असंभव की तरह ही है ना तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया श्रीमद भागवतम में कि पॉलिटिशियंस जैसे या कोई भी हम हम क्या करते हैं जो जीव है जो भौतिक जगत में है वो टैग्ड रहते हैं पोजीशंस के साथ है ना मेरा ये मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरी दादी मेरी मम्मी मैं मैं फादर मैं मदर मैं बेटा मैं बेटी है ना तो वो पोजीशन छूट नहीं पाती वो छूटेगी तभी जब आप स्पिरिचुअली सोचोगे जब आप आपको पता रहेगा कि फाइनली जो सही पोजीशन है वो कौन सी है वो सही पोजीशन श्री कृष्ण भगवान की सेवक के रूप वाली पोजीशन है है ना वो परमानेंट पोजीशन है और ये टेम्प्रेरी पोजिशन है तो टेम्प्रेरी पोजिशन छोड़नी ही पड़ेगी या तो छुड़वा दी जाएगी या छोड़नी पड़ेगी है ना तो स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो हमें विरक्त वाली भावना साथ रखनी चाहिए है ना वो बड़ी आसानी से हो पाया परीक्षित महाराज के साथ जो जीवों के साथ नहीं हो पाता है ना ठीक है तो कृष्ण सेवक वाली जो पदवी है वो परमानेंट पोजीशन वो ध्यान में रहनी चाहिए इस वैसा रहेगा तो विरक्त भावना बड़ी आसानी से आ पाएगी और टेम्पररी पोजीशन बड़ी आसानी से छूट पाएंगी है ना फिर जैसे ही प्रक्षित महाराज आ, ने जब कथा सुन रहे थे है ना तो सभी ऋषि मुनि मुनिगण चाह रहे थे है ना वो चाह रहे थे कि प्रक्षित महाराज के अब जाने का समय है ना कुछ कुछ ही चंद लम्हे कुछ ही चंद दिन बाकी थे जो उनको मिले थे प्रक्षित महाराज को तो ऐसा ही है कि वैष्णवगण वैष्णवजन जो, जो प्रक्षित महाराज बहुत बड़े वैष्णव थे है ना श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे तो जो ऋषि गण थे वो चाह रहे थे कि हम आखिरी लम्हे तक श्री प्रक्षित महाराज को हम देख पाए है ना क्योंकि ऐसा मौका उनको बार बार फिर नहीं मिलेगा ऐसे वैष्णवजन को देखने का है ना जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि गंगा में गंगा नदी में बार बार डुबकी लगाओ है ना तो जाकर शुद्धता आती है ऐसा नहीं है कि आप एक बार डुबकी लगाए और शुद्ध हो गए है ना पर जन और वो भी प्रीक्षित महाराज जैसे अगर उनके दर्शन मिल रहे है ना तो ऋषि मुनिगन जो वहां पर गंगा नदी के तट पर बैठे थे वो चाह रहे थे कि हमें आखिरी लम्हे तक जब तक वो यहाँ से विदा नहीं हो जाते हैं ना प्रेक्षित महाराज अभी जाने का समय था कुछ दिनों में तो वो दर्शन करना चाह रहे थे तो ऐसा 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 बताया गया है कि हमें मतलब ऐसे ऐसे वैष्णव जन बहुत ही प्योर वैष्णव जन शुद्ध भक्त प्रक्षित महाराज जैसे है ना तो उनको देखने से ही शुद्धता आ जाती है जीव में तो वही ऋषि मुनिगन सोच रहे थे और चाह रहे थे है ना क्योंकि ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आएगा उनके पास है ना और प्रक्षित महाराज को एक बहुत बड़ा उत्तम श्रोता माना गया है ना क्योंकि उनमें वैराग्य बहुत था वो बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म मतलब जैसे क्रिएट हो गया था सुखदेव गोस्वामी के समक्ष और ऋषि मुनिगण के समक्ष के समक्ष है ना तो प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट हो गया क्योंकि एक शुद्ध भक्त एक शुद्ध भक्त जो बिल्कुल वैराग्य की स्थिति में था वो सुनने के लिए बैठे थे और और सुखदेव गोस्वामी उनको बताने के लिए है ना तो भागवत तभी प्रकट होगी भागवतम तभी प्रकट होगी जब सुनने वाला प्रक्षित महाराज जैसा होगा और सुनाने वाला सुखदेव गोस्वामी जी जैसा होगा है ना तो ये ये भाग, श्रीमद भागवतम तभी प्रकट होगी सही से है ना तो श्रोता वक्ता ऐसे होने चाहिए प्रक्षित महाराज जैसा श्रोता और वक्ता होना चाहिए सुखदेव गोस्वामी जैसे है ना और फिर अभी देखिए कि ऐसी लालसा थी जीवों में कि तरह तरह के हैं है ना भौतिक जगत में और उन के कोने-कोने से हर ऋषि मुनिगन वहां पर इकट्ठे हो गए थे गंगा नदी के तट पर जब उनको पता चला कि श्रीमद भागवतम का भागवतम की का प्रकट होगा श्री श्री सुखदेव गोस्वामी जी के श्रीमुख से है ना प्रक्षित महाराज जी को सुनाया जाएगा है ना तो ऐसी रुचि होनी चाहिए कि भागवत कथा सुनने के लिए कि मतलब ऐसी लालसा होनी चाहिए ऐसा आस्वादन ऐसा आस्वादन करना चाहिए किसी भी जीव को जब कभी मौका मिले श्रीमद भागवतम कथा सुनने का तो ऐसी लालसा जैसी ऋषि मुनिगन में पाई गई जो जैसे उनको पता लगा वो सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए है ना क्योंकि वो उस उस आस्वादन को छोड़ना नहीं चाहते थे उस श्रीमद भागवतम कथा को छोड़ना नहीं चाहते थे तो ऐसी रुचि हमेशा हर जीव में होनी चाहिए है ना और फिर वैसा प्लेटफॉर्म अगर बन जाए श्रोता वक्ता और ऋषि मुनिगण सुनने वाले तो भागवतम असल में प्रकट होती है ना भागवतम जो श्री कृष्ण जी के जो कार्यकलाप है ना जो कैसे कार्यकलाप थे कैसे दिव्य कार्यकलाप थे वो सुनना उस उस रस का आस्वादन करना जीव के लिए ऐसे सौभाग्य से इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता है ना? और फिर एक और, एक चीज और बताएगी कि जीव में जो जो गुण है है ना जो भौतिक जगत में जो जीव में जो मैक्सिमम गुण है वो अठहत्तर परसेंट तक जैसे प्रभु जी ने समझाया कि श्री कृष्ण जी चौसठ गुणों से संपन्न है चौसठ प्रधान गुणों से संपन्न है आउट ऑफ इन्फिनिट गुण क्योंकि श्री कृष्ण में अनंत गुण है ना अनंत गुणों के मालिक हैं और जो जीव है जो उनके अंश हैं जो भौतिक जगत में है उनमें जो प्रधान जीव है है ना जो सबसे बड़े जीव हैं जो जो भौतिक जगत में है वो ब्रह्मा जी उनमें मैक्सिमम फिफ्टी गुण पाए जाते हैं तो अगर आप देखोगे फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर दैट विल कम अपू सेवेंटी एट परसेंट तो मैक्सिमम अठहत्तर परसेंट गुण जो भगवान जो जीव में पाए जाएंगे प्रधान जीव में है ना ब्रह्मा जी जो जीव है भौतिक जगत में वो डिवाइडेड ना तो ये भौतिक जगत में पर आध्यात्मिक जगत में वही वही सारे जीव में वही सारे गुण है जो भगवान में गुण है बट आंशिक रूप में है बट भौतिक जगत में वो थोड़े से लुप्त अवस्था में रहते हैं माया माया से ढके रहते हैं तो वो हम हम तभी अपने जो गुण है वो देख नहीं पाते है ना क्योंकि हम भ्रम में रहते हैं ना, क्योंकि जीव जो है आत्मा वो भ्रम में रहता है वो सारे गुण मैक्सिमम वही है तो ये हमें समझाया गया ठीक है तो आज हमने फिर यहाँ तक श्रवण करा श्रीमद भागवतम का तो आप सभी डिवोटिस का बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसी श्रीमदभागवतम की कक्षा में आते रहिए हम इस क्रिस विजानचेन प्रभुजी के साथ श्रवण करें मिलकर और चीजों को समझें है ना तो इसी के साथ हम फिर यहाँ पर विराम लेते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से हम सभी इकट्ठे होते हैं श्रीमद् भागवतम की कक्षा में है ना सुनते हैं तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वांचा कल्पतरुष्य के पास सिंधुवे वच पतिता नाम पावणे व्यष्णवे व्यो नमनम अनंत अनंत कोटि वैष्णव ब्रंद की जय प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम